स्टार्ट। महोदय, आज दुनिया को एक ऐसी जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करे ताकि उनकी उपलब्धता भावी पीढ़ियों के लिए भी बनी रहे। पेयजल के माध्यम से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम पेयजल का इस्तेमाल विवेक से करें और उसको कभी भी व्यर्थ न बहने दें, तो आज भी दुनिया के कई इलाकों में पेयजल की जो कमी दिखती है वह आसानी से दूर हो सकती है। ऊर्जा के लिए हम जिन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं उनमें जीवाश्म ईंधन, कोयला और लकड़ी शामिल हैं। यह दुनिया जानती है कि इन सभी का भंडार सीमित है और अगर हमने ऊर्जा के लिए इनका अंधाधुंध इस्तेमाल जारी रखा तो आने वाले समय में इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे। अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि दुनिया के सभी देश नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और इस्तेमाल के लिए पहल करें। दरअसल अक्षय ऊर्जा ऊर्जा के उस स्वरूप को कहते हैं जो भावी पीढ़ियों की ऊर्जा आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करती है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों में अक्सर सभी नवीकरणीय स्रोत शामिल होते हैं जैसे वनस्पति पदार्थ और शक्ति, पवन शक्ति, भू ऊष्मा शक्ति, तरंग शक्ति और ज्वार द्वारा उत्पन्न शक्ति ऊर्जा अक्षयता की ओर अग्रसर होने के लिए न केवल ऊर्जा पूर्ति करने के तरीकों को बदलना होगा बल्कि ऊर्जा के उपयोग के तरीकों को भी बदलना होगा और विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को भी घटाना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए भवन निर्माण करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि उसमें दिन में रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल न करना पड़े। यों इसमें आमतौर पर ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने वाली LED जैसी प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं। वर्तमान में वातानुकूलन के लिए भी हम जो रसायन इस्तेमाल में लाते हैं उनसे भी प्रदूषण का दायरा बढ़ता है। जहां तक संभव हो हमें ऐसे सभी कार्यों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यथाशीघ्र वैकल्पिक उपाय खोजने होंगे। मोटे तौर पर किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि उसकी मात्रा सीमित है और उसकी जरूरत कमोबेश दुनिया के सभी लोगों को है। खाद्य पदार्थ इसी श्रेणी में आते हैं। दरअसल आज दुनिया का ऐसी प्रदूषण
मुक्त प्रौद्योगिकियों की जरूरत है जो एक और हमारी जरूरतों को पूरा करती हों और दूसरी और प्राकृतिक संसाधनों का कम इस्तेमाल करती हों। महोदय, ऐसी कारगुजारियों का खामियाजा आखिरकार आम जनता को उठाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी से एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि नौकरशाही में काम करते हुए कोई अधिकारी कैसे सत्ता का केंद्र बन जाता है और अपने कामकाज से लेकर अन्य मामलों में उसे मनमानी करने में कोई हिचक नहीं होती। ऐसा शायद इसीलिए होता है कि आमतौर पर ऐसे अधिकारियों को सत्ता का प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके चलते वे अपनी मंशा को बिना किसी हिचक के पूरी कर पाते हैं। विडंबना यह है कि जिन नेताओं को जनता इस उम्मीद से सत्ता में भेजती है कि वे अपने पद का उपयोग आम लोगों के हित और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर काबू पाने में करेंगे, वही भ्रष्टाचारियों का बचाव करने की कोशिश करते दिखने लगते हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार में उप सचिव सौम्या चौरसिया को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित अवैध वसूली और जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। सवाल है कि इतने उच्च स्तर की किसी अधिकारी को अवैध वसूली या भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में मनमानी करने की छूट कैसे मिल जाती है? ऐसी सुविधा उसे कौन मुहैया कराता है? हालांकि इस मामले में जांच प्रक्रिया पूरी और आरोप साबित होने के बाद ही उनकी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन फिलहाल उप सचिव की गिरफ्तारी के जो आधार बताए गए हैं वे निश्चित रूप से भारत में पहले से मौजूद भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या की तहों में हर जगह मौजूद रहे हैं। कहा जा सकता है कि जब तक जांच एजेंसियां सक्रिय होकर जांच नहीं करती तब तक ऐसे अपराध बेरोक टोक चलते रहते हैं। खासकर नौकरशाही में कुछ लोग राजनीतिक शह की वजह से बेरोक टोक भ्रष्टाचार से कमाई करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की कानूनी कार्रवाई की जद में आई सौम्या चौरसिया के पद कद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें राज्य में न केवल सबसे ताकतवर अफसर माना जाता था बल्कि आम धारणा थी कि वे मुख्यमंत्री की बहुत करीबी हैं। अफसोस की बात यह है कि कई मसलों पर सख्त मुख्यमंत्री माने जाने वाले वक्त पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना जरूरी नहीं लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि नौकरशाही में ऊंचे पद पर मौजूद किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोपों का यह कोई पहला मामला हो। कुछ समय पहले झारखंड में भी खान सचिव पूजा को राज्य के खूंटी जिले में उनके उपायुक्त रहते राष्ट्रीय
रोजगार गारंटी से संबंधित काम यानी मनरेगा के तहत किए गए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। स्टॉप।